Daily Bulletin is presented by Manu Multispeciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institution, and by Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchants. Powered by Big Neuropsychiatry Hospital and De-Addiction Center, opposite Government ETI, Darga Road, STBT. And by Matki Health Center, Dr. Muhammad Abdul Razak Matki, Emergency and General Physician, Gulshan Arfat Colony near Sultan Function Hall, Hagarga Road, Gulbarga. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज, जहां पर आपको बता दें कि आज एक प्लेन क्रैश हुआ नेपाल में, जहां नेपाल के काठमांडू से ये प्लेन क्रैश हुआ है, जहां पर टेक ऑफ करते वक्त प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसकी विंग जाकर जमीन पर लग गई। उसके साथ नोज डाइव करते हुए ये प्लेन सीधा क्रैश हो गया और इस प्लेन को आग लगी। इस प्लेन में 18 पैसेंजर्स के मरने की खबर आई है और एक जो पायलट था वो सरवाइव होके, उसकी कंडीशन सीरियस है। एयरक्राफ्ट 2003 मॉडल की थी और जैसे ही ये रेस्क्यू ऑपरेशन करा गया, फायर फाइटर्स वहां पर पहुंचे और आई विटनेस ये कहा कि अचानक से प्लेन उड़ते ही उसका जो राइट विंग था वो जमीन पर लग गया, जिसकी वजह से उसका बैलेंस आउट हो गया और जाकर ये सीधा रनवे से बाहर हुआ और आग लग गई। इंटरनेशनल में एक और खबर, जैसे कि आपको हमने थोड़े दिन पहले बताया था कि सुनीता विलियम्स और उनके साथ साथ जो एक और एस्ट्रोनॉट है बर्ज विलमोर, ये लोग स्पेस में थे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर काम कर रहे थे। उनके जो स्पेस शटल है उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रहा, वो वापस नहीं आ पा रहे थे टेक्निकल इश्यूज की वजह से, लेकिन अब वो वापस लैंड पर आ चुके हैं, यानी कि वो लैंडिंग कर दिए हैं और जल्द से जल्द वो मीडिया से बात भी करने वाले हैं। आपको बता दें कि स्पेस स्टेशन और पोटेंशियल स्ट्रेस सिनेरियो जो होते हैं अनडॉकिंग और डीऑर्बिट बर्न में, वो अब लाइनअप किए जा रहे हैं और वो जल्द से जल्द मीडिया से बात करेंगे। यानी कि अब देखिए, आप स्पेस में जाना कितना आसान हो जा रहा है ये बात बताई जा रही है। कोई भी स्पेस को ट्रैवल कर सकता है और जो बोइंग और नासा ने मिलकर ये जो काम किया है, जहां पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जाना, वहां पर काम करना और वहां से वापस आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा करिश्मा। उसका सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के बारे में बात करें, जहां पर उन्होंने सीधा सीधा बात करा निर्मला सीताराम जी से। निर्मला सीताराम जो फाइनेंस मिनिस्टर, उन पर सीधे उन्हें बोला कि माता जी आप एक्सपर्ट हैं बोलने में, ये मुझे मालूम है, पहले मुझे बोलना दीजिए। इस तरह की बात कही और उन्होंने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के अलावा कोई और स्टेट्स को कुछ भी नहीं मिला यूनियन बजट में। कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, किसी को कुछ नहीं मिला है, सिर्फ बातें की जा रही हैं और कुछ लोगों को खुश करने का काम किया जा रहा है। इस तरह की बात कही डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कल बजट पेश हुआ, उस बजट में किसी स्टेट को कुछ नहीं मिला और सबके थाली खाली और दो के थाली में पकौड़ा और ये अपना ये दो छोड़ के किसी को नहीं मिला कुछ, ना तमिलनाडु को मिला, ना केरला को मिला, ना कर्नाटक को मिला, ना महाराष्ट्र को मिला, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना छत्तीसगढ़, ना किसी स्टेट को कुछ नहीं, दिल्ली को नहीं दिया, तो मैं कितने गिनूं, ओडिशा को कुछ नहीं दिया। तो ऐसा बजट मैं कभी नहीं देखा और ये सिर्फ किसी को खुश करने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए वो ये सब हुआ है, इसका हम खंडन करते हैं। और इस ढंग से बजट पेश अगर हो गया, माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है, मुझे मालूम है, तो उसी ये तो माता जी नहीं, आपकी बेटी के बराबर हैं। मैं अपनी तो बात रख रहा हूँ, तो इसीलिए सर मैं कंडम करता हूँ, या लोगों ने नकार दिया आपको, उस जगह कुछ नहीं मिला। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक के साथ साथ बंगाल ने भी अब एक रेजोल्यूशन पास किया है नीट के खिलाफ। नीट, जिसे आपको मालूम है कि मेडिकल में एडमिशन लेना हो तो आपको नीट का एग्जाम पास करना होगा, कर्नाटक कह रही है कि अब वो खुद का अपना एंट्रेंस टेस्ट बनाएगी मेडिकल के लिए, और इसी बात को बंगाल ने भी सपोर्ट किया है कि वो भी अपने स्टेट में अलग टेस्ट बनाएगी। अब वो यूनियन गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि हर स्टेट को जिम्मेदारी दे दें इंडिविजुअल, नीट ओवरऑल इंडिया की जरूरत नहीं है, स्टेट वाइज हम मेडिकल एडमिशन कर लेंगे। अलमिजा टूर्स एंड ट्रेवल्स का 15 दिन का अगस्त डिलक्स उमरा पैकेज, डायरेक्ट फ्लाइट एयर इंडिया एक्सप्रेस। फर्स्ट ग्रुप है डिपार्चर 10 अगस्त को और दूसरा ग्रुप है डिपार्चर 18 अगस्त को। पैकेज आ रहा है 92,000 रुपीस में। कांटेक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को या फिर विजिट करें स्क्रीन पर एड्रेस पर। डी के शिवकुमार ने आज मीडिया से ब्रीफ करते हुए बताया कि जो नीति पॉलिसी जो आ रही है, उन्होंने कहा है कि उसमें कोई जस्टिस नहीं है, हमारे लीडर्स ने डिसाइड किया है कि प्रोटेस्ट करेंगे, इसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है बजट में। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है, जो ग्रेटर बेंगलुरु गवर्नेंस बिल जो है उसको सिर्फ पॉलिटिसाइज कर रही है, उसमें कोई भी इशू नहीं है। Where is the नीति? नीति has gone. Justice has
justice has gone, no money for Karnataka. There is over no Nyaya here that has gone. So party, our leaders have taken a decision in the interest of the protest that which has been. कर्नाटक से आपको बता दें कि आज आरके जी राधाकृष्ण जी ने आज पार्लियामेंट में अपनी बात उठाई है। उन्होंने जो उनको वक्त दिया गया था उसमें खास तौर पर यह बात बताई है कि इस तरह से गुलबर्गा डिवीजन होना चाहिए रेलवेज में, जो अब तक पॉसिबल नहीं हुआ। पिछले 10 साल से ये चीज पूछी जा रही है लेकिन अब तक गुलबर्गा को डिवीजन नहीं दिया गया है। उसी बात को उन्होंने स्ट्रेस करते हुए जल्द से जल्द करने की बात कही है और यही बात उन्होंने यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज को ये बात लिखी। आर्टिकल 371J एंड द रीजन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट The then government had sanctioned railway division at Kalburgi through the year 201415. It has been 10 long years since the people of Kalyan Karnataka have been waiting for the establishment of railway division. Various committees have been formed one after the another, but the railway division has still not been established. Through the years, bigger amount was allocated towards the establishment of the division. अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स शरद टॉवर्स एम एस के मिल रोड गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद बसेश्वर कॉलोनी अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री मुस्लिम चौक अल शरीफ बीएससी डिग्री कॉलेज गर्ल्स यदुला कॉलोनी अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड ओल्ड जेवरगी रोड। सर गुलबर्गा से अगर आप बात बताते हैं तो 3 दिन की ऑर्गेनिक फार्मिंग फेस्टिवल हो रही है गुलबर्गा में, जहां सैटरडे के रोज ये शुरू होने वाला है। KKCCI के प्रेसिडेंट शशिकांत बी पाटिल ने एड्रेस किया मीडिया को APMC यार्ड में और इस बारे में डिटेल्स बताई है। जो आपको बता दें KKCCI जो एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो बड़ा अच्छा काम करती है, वो 3 दिन का ऑर्गेनिक फार्मिंग फेस्टिवल ला रही है APMC प्रीमाइसेस कलबुर्गी में। जी आपको बता दें कि ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस रायचूर, कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरी साइंस यूनिवर्सिटी बिदर और यूनिवर्सिटी गुलबर्गा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, कृषि विज्ञान केंद्र और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फॉरेस्ट हॉर्टिकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, इन सबको लेकर ये काम कर रही है। दाल मिलर एसोसिएशन, राइस ट्रेडर एसोसिएशन भी यहाँ पर रहने वाले हैं, बहुत सारे स्टॉल्स रखने वाले हैं। ये इवेंट बहुत बड़ा होने वाला है और पर्पस यही है कि लोगों में न्यू टेक्नोलॉजीज किस तरह से लाए, ऑर्गेनिक फार्मिंग को किस तरह से प्रमोट करें ये बात की जा रही है। कथा सिद्धेश्वर स्वामी ऑफ कन्नडी मठ इसे इनॉग्रेट करेंगे सुबह 10 बजे सैटरडे के रोज और चेयरपर्सन ऑफ द चरण बसवेश्वर विद्या वर्धक संघ दक्षिणा सप्पा गुरु पदलिंगा शिवयोगी बबलाद मठ और अभिनावा परतुशिवरा शिवाचार्य जी बेलगमा मठ वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे, रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज मिनिस्टर प्रियंक खड़गे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर चालूवर स्वामी, मेडिकल एजुकेशन में शरण प्रकाश पाटिल और दर्शनापुर जी, ईश्वर खंडरे और कई सारे मिनिस्टर्स भी यहाँ पर रहने की बात बताई जा रही है। थॉट फॉर द डे इज प्रेजेंटेड बाय देसी गोल्ड प्योर चक्की आटा, हाइजीनिकली पैक्ड विद टचलेस प्रोसेस। For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591-979745. आज का thought of the day: You can't change your future, but you can change your habits, and surely your habits will change your future. आप अपना future तो नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपने habits को बदल सकते हैं, और बेशक आपके habits ही आपका future बदलेंगे। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Haj Umra Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. Health benefit of egg ki aaj main bata raha hu ki nutritious hai, omega 3s mein rehta hai, highly quality jo hai isme high quality protein milta hai, cholesterol acche level ka ye badhata hai, good cholesterol badhata hai aur aapko loose weight mein aapko madad karta hai. Comment section is presented by Beg Neuropsychiatry Hospital and the Addiction Center. Dr. Abdul Rafi Mukhtadir Beg, MBBS, MD, Psychiatry Consultant, Neuropsychiatrist. Opposite Government ETI, Dargah Road, STBT. 24/7 Emergency Psychiatry Services. उसके सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है इंसानियत और संस्कार ने थम्स अप भेजा है। अनिस फातिमा ने फर्स्ट कमेंट लिखा है। मोहम्मद गैसुद्दीन लिख रहे हैं सेंट्रल बजट कैंसर की दवा का कॉस्ट कम करके अच्छा काम की है लिख रहे हैं। मुसा सईद ने सुपर लिखा है, अस्सलाम वालेकुम लिखे सात सोमान। GM गोड्स लिख रहे हैं फार्म गुलबर्गा के टाइनी पर्ल स्कूल के पास आम बरसाने के बाद UGT चेंबर ओवर फ्लो हो रहा है, कई सालों से ये प्रॉब्लम चल रहा है, इस तरह की बात की तो वहाँ के कॉर्पोरेटर कौन है आप बताइए बात, जरूर हम ये डिपार्टमेंट की बात उन तक पहुँचाएंगे। गोवा चैनल देश का नंबर 1 चैनल होगा लिख रहे हैं सैयद मोइन पटेल। दिव्यगम ने सलाम लिखा है, आप सबको वालेकुम सलाम शुक्रिया। यूजर लिख रहे हैं सैयदा सोबिया, अस्सलाम वालेकुम मामू जान, अल्लाह आपको हमेशा खुश और करम रखे। गवर्नमेंट की तरफ से लड़कियों की शादी को ₹50,000 मिलना बंद हुए हैं, चालू होगा या नहीं? अभी तो फिलहाल नहीं है चालू, लेकिन जब भी शुरू होगा हम जरूर जो है इस बारे में आपको बताएंगे। ह्यूमैनिटी लवर्स
लिख रहे हैं कि रेशन कार्ड की अप्रूवल कब से स्टार्ट होगा, अभी तो कोई अपडेट नहीं है। शेख सलाउद्दीन ने लिखा गुलबर्गा एयरपोर्ट नाइट लैंडिंग अपडेट्स। नाइट लैंडिंग तो चालू हो चुकी है, नाइट पर लैंड कर सकते हैं, एयरपोर्ट उस काबिल हो चुका है, लेकिन फ्लाइट्स आना नहीं आना वो डिसाइड करना है। बैंगलोर की फ्लाइट आ रही है शाम में 2 बार हफ्ते में, थर्सडे फ्राइडे को कुछ डेट है, उस बारे में आप कन्फर्मेशन ले सकते हैं। प्रिंसेस अफूल लिख रहे हैं 4000 जो कम हुए हैं तो एग्जैक्ट प्राइस क्या होगा, यानी कि जो प्राइस चल रहा है गोल्ड का। जैसे कि आपको बता दें कि 64,950 चल रहा है 22 कैरेट का, 7,086 चल रहा है 24 कैरेट्स का, तो उस हिसाब से 4,000 रुपये कम होने के बाद ये रेट अब बाहर आए हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का कुछ साजिश हो रही जिसमें देश के माइनॉरिटी को इज्जत नहीं दी जा रहा है लिखा गया है। जुबैर जी लिख रहे हैं शगुतबानों के जो बयान पर के मुसलमानों को, देखिए मैं उस बात पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि सब लोग हमें देख रहा है, तो मैं कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के रिलेटेड ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। वो मौसमी लिख रहे हैं कि बजट में क्या मिला, लिख रहे हैं कुछ नहीं मिला। तार्मिक गृहलक्ष्मी का अमाउंट कब आएगा प्लीज बताइए, लिख रहे हैं माइंड गेमिंग आएगा, उस पर कोई अभी जो है डेट फाइनल नहीं हुई। मोहम्मद वसीम ने सलाम लिखा है, हैशटैग के सामने भी स्पीड ब्रेकर डालना चाहिए, लिख रहे हैं जाने आने पब्लिक को बहुत, बिल्कुल शेख बुरहानुद्दीन यही काम सब लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। बड़ा फातिमा लिख रहे हैं कि बजट खैर ठीक है लेकिन सबसे पहले महंगाई कब कम होगी, टमाटर का प्राइस माशाल्लाह उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, एक आदमी को फर्क पड़ता है तो वो रोज के खाने पीने की चीजों से। बिल्कुल सही कहा आपने कि देखिए आम लोग बजट से ले क्या करेंगे, जब तक उनका खाना पीना सही नहीं होगा, जो महंगाई रोज बरोज चीजें अगर सस्ती नहीं होंगी तो जब तक उससे बजट से लेके क्या फायदा। होनाबाद रोड पर बीच में डिवाइडर लगाना चाहिए, बिल्कुल हबीब भाई आपकी बात सही है। होनाबाद रोड जो चलती है एक्चुअली NH है, वो NH 4 लेन का उसके ऊपर एक प्रपोजल है, अब तक क्यों पूरा नहीं हुआ समझ में नहीं आ रहा। मुख्तार लिख रहे हैं रश्मि के पैसे बंद हो गए हैं। नवाज लिख रहे हैं कि डे टू डे एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, स्पीड ब्रेकर्स लगाना जरूरी, स्पीड ब्रेकर का काम ही है कि स्पीड कम करना, क्रैश बैरियर सेफ्टी फीचर, इस तरह की उन्होंने डिटेल बात लिखी है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा उन्होंने कमेंट किया है, उसको समझना बहुत जरूरी है। मोहम्मद शाहिद अहमद ने कहा तार हुनाबाद से गुलबर्गा तक वन वे रोड जरूरी है, वन वे रोड नहीं कर सकते उसको, 2 वे जिसको हम बोलते हैं, यानी कि एक जाने की एक आने की बनाना पड़ेगा हमें, तो NH लाइन जो है ऑलरेडी सैंक्शन हुई है या क्या है, लेकिन 4 लेन तो ये बनने वाली है। समीर सकरी लिख रहे हैं तार युवा नीति और गृहलक्ष्मी के बारे में कुछ अपडेट दीजिए, लिख रहे हैं। डेली बुलेटिन इज प्रेजेंटेड बाय मनु मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, KVN यूनिवर्सिटी, शाहिन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड बाय अब्दुल करीम मुछाले एंड सन्स क्लोथ मर्चेंट्स, पावर्ड बाय बेग न्यूरोसाइकियाट्री हॉस्पिटल एंड द एडिक्शन सेंटर अपोजिट गवर्नमेंट TTI दरगाह रोड STBT।